गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास एंड टुडे इज़ योर कंप्यूटर पीरियड. टेक आउट योर कंप्यूटर बुक, कंप्यूटर ब्राउज़र. आज जो है आपका कंप्यूटर पीरियड है और आप जैसे कि जानते हैं ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है. मैंने आपको लास्ट 3 पीरियड्स में, जो अभी तक हमारे कंप्यूटर के 3 पीरियड्स हो चुके हैं, मैंने आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है. और मशीन क्या होती है क्लास? मशीन इज़ अ मैन मेड थिंग. एक मैन मेड थिंग होती है जिसे मैन मेड मतलब कि इंसान ने बनाया है. मशीनें वो चीज़ होती हैं जिसे इंसान ने बनाया है. अब देखिए, इंसान को किसने बनाया है? जैसे कि हम सभी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें बनाया है गॉड ने, यानी भगवान जी ने. अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो भी यही आपको बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग्स को यानी इंसान को गॉड ने बनाया है. लेकिन ह्यूमन बीइंग ने, इंसानों ने बनाए हैं मशीन्स को, बहुत सारी मशीन्स बनाई हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए, जल्दी जल्दी से हो जाए. क्लास, इससे पहले वाले जो क्लासेस आपके हुए हैं, मैंने उसमें आपको इसका बैक एक्सरसाइज करवाई थी और ये बैक एक्सरसाइज मैंने आपको नोटबुक में भी करने के लिए दी थी. आई होप सभी बच्चों ने ये काम अपनी नोटबुक में कम्प्लीट कर लिया होगा. और जो हमारी 8 जुलाई की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको ये न्यू वर्ड्स एंड ये वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक में लिखने के लिए दिया था. एंड आई होप आपने ये वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा. तो क्लास, आज हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उन्हें समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे. सबसे पहले आप आज की क्लास की डेट यहाँ टॉप में कॉर्नर में मार्जिन लाइन, ये जो आपकी जो लाइन होती है इसे मार्जिन लाइन कहते हैं. तो मार्जिन लाइन से पहले आप डेट डालेंगे, फिर आप लिखेंगे लेसन 1, कंप्यूटर इज़ अ मशीन. लेसन 1 लिखने के बाद आप अपने लेसन का नेम लिखेंगे, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, यानी कंप्यूटर एक मशीन है. क्या है कंप्यूटर? एक मशीन. तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप पहले हेडिंग डालेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, आंसर देने हैं, जवाब देने हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मशीन. व्हाट होता है क्या? इज अ मशीन यानी मशीन क्या है? तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर? अ मशीन इज अ मैन मेड थिंग, यानी जो मशीन है वो मैन मेड यानी आदमी की बनाई हुई थिंग यानी वस्तु है. मशीन जो है वो मैन मेड थिंग है. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मशीन हेल्प अस. हाउ मतलब होता है कैसे, मशीन यानी यंत्र, हेल्प यानी कि मदद, अस मीन्स हमारी, जो मशीन है वो हमारी कैसे मदद करती है. तो आप इसका आंसर लिखेंगे मशीन मेक्स वर्क ईजी, मशीन हमारा काम आसान कर देती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एक मशीन है, वॉशिंग मशीन एक मशीन है. आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे तो उसमें थकते भी नहीं हैं, कपड़े भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, जल्दी से वॉश भी हो जाते हैं. तो जो भी हमारे घर में मशीन होती है वो सब हमारी बहुत हेल्प करती हैं, इसीलिए तो हम उनका यूज़ करते हैं ना. तो आप इसका आंसर लिखेंगे मशीन मेक्स वर्क ईजी, मशीन हमारे काम को मेक मतलब बनाती है, वर्क मीनिंग काम, एंड ईजी मतलब आसान, मशीन हमारे काम को आसान बनाती है. आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंप्यूटर. तो क्लास, जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट मीन्स क्या, इज अ कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है. स्मार्ट मतलब जिसको सब कुछ आता हो उसी को हम स्मार्ट कहते हैं ना. तो स्मार्ट मशीन है कंप्यूटर, क्योंकि वो कभी भी थकती नहीं है, कभी कोई मिस्टेक नहीं करती, और हमारा काम बहुत फास्ट यानी जल्दी जल्दी हमारा काम कंप्यूटर कर देता है. इसीलिए तो सब जगह कंप्यूटर यूज़ होता है, स्कूल में भी, घर में भी, ऑफिस में भी. So our fourth question is name few machines you have seen at your home. Class, आपने ये question अपनी book में भी complete किया था और आपको ये अपनी notebook में भी लिखना है. Name few, name होता है नाम, few means कुछ, machine यानी कुछ machine के नाम बताइए. You have seen मतलब you means आप, have seen यानी देखी हैं, जो आपने देखी हैं at your home अपने घर में, home means घर. तो आपने अपने घर में जो कुछ मशीन्स देखी हैं अपने आसपास में, आपको उनका नाम लिखना है. जो मशीन हम सभी के घर में होती हैं,
जैसे कि इसके आंसर में हम लिखेंगे नंबर वन में मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन भी एक मशीन है और वो हम सभी के पास में है, तो आप लिखेंगे नंबर वन में मोबाइल फ़ोन। नंबर टू इज़ टोस्टर। टोस्टर होता है जिसमें हम ब्रेड गर्म करते हैं, तो आप सेकंड मशीन लिखेंगे टोस्टर, और ये बहुत से लोगों के घरों में होती है नॉर्मली। थर्ड मशीन इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न होता है जिसे आप क्लास टीवी भी कहते हैं, तो टेलीविज़न तो हम सभी के घर में है, तो आप थर्ड मशीन का नेम लिखेंगे टेलीविज़न। एंड फोर्थ इज़ मिक्सर। मिक्सर होता है जिसमें आपकी मम्मी कोई चीज़ें पीसती हैं, जैसे कि किचन में मसाले पीसना, तो उसे मिक्सर कहते हैं। तो क्लास, इस तरह से जैसे मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, आप भी इसे बहुत सुंदर सुंदर बॉटम लाइन से टच करके, दो वर्ड्स के बीच में वन फिंगर का गैप देके, बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में बोल बोल के इसे रीड कर करके अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे। आपको सभी वर्ड्स अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। सभी वर्ड्स की मैंने आपको हिंदी भी एक्सप्लेन करी है, तो आपको सभी वर्ड्स की हिंदी भी आनी चाहिए। तो इसी तरह से बोल बोल के आपने सुंदर हैंडराइटिंग में ये काम कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, और फिर जो हमारा लेसन वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। So that's all for today. Thank you so much. We will meet in our next class. Till then, take care.